सब्सक्राइब कीजिए टेक हेल्प चैनल को और बेल आइकन को दबाएं कंप्यूटर और मोबाइल रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। अगर आप एक ब्लॉग चलाते हैं, एक वेबसाइट रन करते हैं या ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए एक प्राइवेसी पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते हैं, कोई कमर्शियल वेबसाइट आपकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्राइवेसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी वेबसाइट किसी प्रकार का डाटा कलेक्ट करती है, जैसे ईमेल एड्रेसेस, न्यूज़लेटर के लिए हो जाए, किसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट शो करती है, अगर गूगल एडसेंस के थ्रू है तो भी आपको प्राइवेसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपकी वेबसाइट यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करती है, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर ट्रैक होता है, तब भी आपको प्राइवेसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन डोनेशन या पेमेंट एक्सेप्ट करती है किसी प्रकार का, उसके लिए भी आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर आपके पास अगर प्राइवेसी पॉलिसी अगर आपकी साइट या ब्लॉग के ऊपर है, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपके अप्रूवल में भी आसानी रहती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप प्राइवेसी पॉलिसी किस प्रकार जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने भी अपनी साइट techhelpalum.net के लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर रखी है। इसके अंदर मेरे को जो जो रिक्वायरमेंट थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल इसके अंदर फिलअप कर रखी है। इसके अलावा अगर आप YouTube की प्राइवेसी पॉलिसी देखते हैं, तो यहाँ पर भी YouTube प्राइवेसी गाइडलाइंस है, जो कि आपको YouTube पे जो एक्सेस कर रहे हैं डाटा कंटेंट की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और आप अगर मेजर वेबसाइट्स की बात करें, तो फाइलिपो की आप अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर भी इसके यूजेज और इसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, कुकीज़ का इसमें यूज़ किया जाता है, तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। आप अमेज़न पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी अमेज़न प्राइवेसी नोटिस दे रखा है, जो कि आपको बताता है कि आप अमेज़न की प्राइवेसी पॉलिसी किस प्रकार की है। तो आप देखते हैं कि सभी वेबसाइट्स अपनी प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करती है, और आपने इन सभी में एक बात ज़रूर कॉमन देखी होगी कि इनकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और अगर आप एक न्यू ब्लॉगर है या आपने एक नई वेबसाइट क्रिएट की है, तो आप इतना बड़ा कंटेंट प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आप किस प्रकार लिखेंगे, तो इसके लिए मैं आज आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, जिसके ज़रिए आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले freeprivacypolicy.com पे जाना होगा। ये वेबसाइट आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करती है। इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, और ये ऑटोमेटिकली आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसी जनरेट करती है। जैसे आप वेबसाइट पे लैंड होते हो, यहाँ पर क्लिक हियर टू स्टार्ट फ्री प्राइवेसी पॉलिसीज का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक गाइड वीडियो प्ले होगा, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, अदरवाइज इसे बंद कर दें। इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जिनका आंसर आपको ऑनेस्टली देना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर यू क्रिएटिंग दिस, चेक ऑल दैट अप्लाई, आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, और जो जो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, वो जो जो अप्लाई हो रहे हैं आपके लिए, उन सबको आपको क्लिक करना है। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चंस का जवाब देते जाना है। जैसे जैसे आप जवाब कंप्लीट करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, वैसे वैसे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट होती रहेगी। फाइनल स्टेज पे पहुंचने के बाद आपको कुछ डिटेल्स का ध्यान में रखना है और उन्हें सही तरीके से फिल करना है। यहाँ पर मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को फिलअप कर रहा हूँ, पूरे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनके आंसर दें। लास्ट पेज के ऊपर कैन स्पैम एक्ट ऑफ 2003 के बारे में डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल भरनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी साइट का नाम भर रहा हूँ।
इसके अलावा फाइनल पेज के ऊपर आपको कस्टम नोट्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इन पॉलिसीज के अलावा अगर आप अपना कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन अंदर डाल सकते हैं, और अदरवाइज नो पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये आपका नेम और ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है और आपकी ईमेल एड्रेस डालना है और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। अब आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके इस साइट के ऊपर लॉगिन करके आपके प्राइवेसी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी अपनी आईडी पे लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा और एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपनी पॉलिसीज डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक HTML फॉर्मेट में आएगा इसलिए आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड होते ही जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। मैं इनको पॉलिसीज को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार की पॉलिसीज जनरेट हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी पॉलिसी जनरेट हो चुकी है, फुल डिटेल के साथ आपकी पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। तो आप इसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्लॉग के ऊपर कॉपी करके एक नए पेज के अंदर सेव कर सकते हैं ताकि आपके यूजर्स के लिए ये और आपके लिए ये एक बेनिफिशियरी साबित हो। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा, और आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।